हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में। 100 में से 80% जो ट्विन प्रेगनेंसी होती हैं वो डाइकोरियोनिक होती हैं, बट बाकी की शेष 20% जो है मोनोकोरियोनिक होती हैं। डाइकोरियोनिक का मतलब होता है कि जहां पर प्लासेंटा की संख्या दो रहती है, बट मोनोकोरियोनिक का मतलब होता है आपका जो प्लासेंटा है वो एक ही रहता है। मोनोकोरियोनिक जो ट्विन्स होते हैं वो एक ही अंडे से फर्टिलाइज होकर बनते हैं, इसीलिए इनको मोनोजाइगोटिक ट्विन्स भी बोला जाता है। और इसमें जो जेंडर होते हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं। एंड मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी भी दो प्रकार की होती है, जिनमें से 99% जो ट्विन्स होते हैं वो मोनोकोरियोनिक डाइएम्नियोटिक होते हैं, बट 1% ट्विन्स ऐसे होते हैं जो कि मोनोकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक होते हैं। अब हम आपको इसका मतलब समझाते हैं। मोनोकोरियोनिक डाइएम्नियोटिक का मतलब होता है कि आपका प्लासेंटा तो एक ही है, बट बच्चों की पानी की थैली है वो अलग अलग है। बट मोनोकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक का मतलब होता है कि आपका प्लासेंटा तो एक ही है, बट जो आपके बच्चे की थैली है वो भी एक ही है। और मोनोकोरियोनिक ट्विन्स की जो दर होती है वो दुनिया भर में 1000 डिलीवरी में से केवल 3 डिलीवरी ही होती है। वैसे तो मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी में जो ब्लड का आदान प्रदान होता है वो समान तरीके से दोनों बेबी शेयर करते हैं, और प्लासेंटा का जो द्रव्यमान होता है वो भी समान तरीके से शेयर करते हैं। लेकिन किसी भी कारणवश अगर दोनों बेबी में कोई भी चीज असमान तरीके से शेयर होती है तो ऐसे में कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपको एक बार ये क्लियर हो जाता है कि आपकी मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आपको ये जरूर पता लगाना है कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। इसके लिए आपको डॉक्टर से पता करना है कि आपके जो बच्चों की ग्रोथ है उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, एंड आपके दोनों बेबी को जो ब्लड है वो समान तरीके से पहुंच रहा है या फिर नहीं। और इसके अलावा आपको ये भी पता करना है कि आपके जो दोनों बेबी की जो शारीरिक रचना है वो पूरी तरह से सही हो रही है या फिर नहीं, और उनमें कोई भी कमी तो नहीं हो रही है। और मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी में स्पेशल अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ सकती है, वो आपके बच्चों की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो आपको जरूर कराना है। एंड इसके अलावा इसमें शुरुआत के 6 महीने तक दोनों बच्चों को बहुत ही अच्छे से मॉनिटरिंग किया जाता है। इसमें भी आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि अगर इस बीच कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका डॉक्टर जो है तुरंत ही सोल्यूशन निकालते हैं। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। और आपको मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी में बार बार अल्ट्रासाउंड की भी जरूरत पड़ सकती है। और अब हम बात करते हैं डिलीवरी के बारे में। मोनोकोरियोनिक डाइएम्नियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी में जो डिलीवरी का सही टाइम होता है वो होता है 36 वीक से 37 वीक के बीच में होना। और मोनोकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी में डिलीवरी का जो सही टाइम होता है 32 वीक से 33 वीक के बीच में होना। एंड सबसे कॉमन क्वेश्चन कि इसमें आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या फिर नहीं, मैं आपको बता दूं कि इसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत ही कम रहते हैं। और इसमें एक ये भी रिस्क रहता है कि एक बच्चा जो वजाइना के पास रहता है वो बहुत ही इजीली बाहर आ जाता है, बट दूसरे बच्चे को इमरजेंसी सी सेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए आपको इसमें नॉर्मल डिलीवरी तभी ट्राई करनी है जब आपके डॉक्टर आपको पूरी तरह से बोल देते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अगर आपके डॉक्टर आपको सी सेक्शन सजेस्ट करते हैं तो आपको जरूर कराना है, एंड बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे रिस्क होते हैं और आपको पूरी प्रेगनेंसी डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही चलना है। और मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसी में एक प्लासेंटा शेयर करने की वजह से इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि एक या दोनों बेबी में ट्विन टू ट्विन्स ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम का खतरा। इसका मतलब होता है कि एक बेबी को ज्यादा ब्लड मिलना एंड दूसरे बेबी को कम ब्लड मिल पाना। एंड इसमें फेटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन का भी रिस्क शामिल रहता है, यानी कि बच्चों की ग्रोथ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाना। और इसमें गंभीर ट्विन टू ट्विन्स ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम की जो संभावना रहती है वो ट्विन्स में लगभग 15% ही होती है। और ये जो प्रॉब्लम है वो 16 वीक से लेकर के 24 वीक के बीच में होने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। एंड इसके अलावा ये आपकी प्रेगनेंसी में कभी भी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।